अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको रमज़ानुल मुबारक। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ सहरी स्पेशल डिशेस। आप इन्हें सहरी में बनाएं या आम दिनों में बनाएं, आपको ये ज़रूर पसंद आएंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे लाइक बटन को क्लिक करें। तो चले आएँ रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बाउल लिया है, उसमें 2 कप आटा डालेंगे। ये सिंपल आटा है जो हम चक्की से पिसवाते हैं। मैंने इस आटे में नमक ऐड नहीं किया, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम 1/2 कप दूध लेंगे और 1/2 कप ही पानी। अब इस दूध और पानी से हम आटा गूंध लेंगे, जैसे सब आटा गूंधते हैं उस तरीके से आटा हम गूंध लेंगे। तो इसे कवर करके हम एक साइड पर 10 से 15 मिनट के लिए इसे आटे को रेस्ट देंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम आटे के गोल गोल पेड़े बना लेंगे इस तरीके से। अब हम रोटी बेलने के लिए थोड़ा सा आटे को डस्ट करेंगे इस तरीके से। अब हम पेड़ा लेंगे, उसकी साइडों को अच्छी तरीके से हम दबाएंगे। अब रोटी को हम बेल लेंगे इस तरीके से। अब हम 1 चम्मच में घी लेंगे, आप ऑयल भी ले सकते हैं। इस तरीके से चारों तरफ रोटी के फैला लेंगे। अब दोनों साइडों से हम इस तरीके से रोटी को रोल करेंगे। इस तरीके से हम करते जाएंगे। अब हम पेड़े को बनाएंगे दोबारा से इस तरीके से रोल करके। आप इस तरीके से साइडों से मोड़कर पेड़ा बनाएं, आप मैदे के पराठों को भूल जाएंगे। आपको ये सिंपल आटे के बहुत पसंद आएंगे। तरीके से हम बेल लेंगे दोबारा से अब रोटी को। अब हम इस रोटी को तवे पर डालते हैं। रोटी एक साइड से हमारी सिक जाएगी तो हम इसे पलट लेंगे। देखें साइड हमने चेंज कर ली है। अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे, इस तरीके से चारों तरफ फैला लेंगे। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और इसी तरीके से घी को दूसरी तरफ भी लगा देंगे। अब देखें हम अपने पराठे को सेक लेंगे तवे पर। ये देखें हमारा माशाल्लाह पराठा रेडी हो चुका है। इस तरीके से आप दबाएं, माशाल्लाह हमारी खस्ता पराठा रेडी है। आप इसे सहरी में बनाएं या वैसे ही आम दिनों में नाश्ते में बनाएं, बच्चे बड़े सबको ये बहुत पसंद आएंगे। तो चले आएं दूसरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अंडा घोटाला की। सबसे पहले हम एक पॉट में 4 अंडे लेंगे और उसमें पानी ऐड करेंगे, फिर इसे कवर करके चूल्हे पर रख देंगे उबलने तक के लिए। दूसरी तरफ मैंने 2 लार्ज साइज़ के प्याज लिए थे, उन्हें इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया था। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 अदद हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, 1 लार्ज साइज़ का टमाटर जिसे मैंने रफली चॉप्ड कर लिया है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे। इसमें हम प्याज को ऐड कर देंगे। कुछ देर तक हम प्याज को सौते करेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके हम प्याज को उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो जाए। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। प्याज और टमाटर को हम भूनेंगे अच्छे तरीके से।
अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून सूखा धनिया, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। सारे मसाले हम ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट, ये टू टेस्ट है। अब हम इन मसालों को कुछ देर तक भूनेंगे। अच्छे तरीके से मसालों को भूनकर अब थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी को हम मिक्स करके अब कवर कर देंगे। हल्की आंच पर 5 से 7 मिनट तक हम इस मसाले को पकाएंगे। ये देखें, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। दही को मसाले में मिक्स करेंगे, थोड़ी देर तक पकाएंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। हाफ टी स्पून हम गरम मसाला ऐड करेंगे। साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। अब हल्की आंच पर इस मसाले को रख देंगे। दूसरी तरफ अब हम अंडों की कटिंग स्टार्ट करते हैं। आप इसे रफली चॉप्ड भी कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से भी आप एग के 4 पार्ट्स कर सकते हैं, एज यू विश। अब हम इन अंडों को मसाले में ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। ऊपर से अब हम हरा धनिया ऐड कर देंगे। अंडा घोटाला हमारा रेडी है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। आप इसे ज़रूर सहरी में बनाएं। ये झटपट में बन जाने वाली रेसिपी है। आपको और आपकी फैमिली को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलें आए नेक्स्ट रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अंडा कीमा। इसके लिए जो अज्जा हमें चाहिए वो ये हैं। 1 लार्ज साइज़ का टमाटर जिसे मैंने रफली चॉप्ड कर लिया है, 3 अदद अंडे। स्पाइसेस में हमें जो चाहिए वो ये है, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट टू टेस्ट। गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए 1 अदद हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, और थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। साथ ही हम उसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे और कुछ देर तक पकाएंगे, जब तक कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। ये देखें, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस ऐड करके हम इसकी कुछ देर तक भुनाई करेंगे। मसाला हमारा भुन चुका है, अब हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे। अंडों में हम उस वक्त तक चम्मच चलाते रहेंगे कि अंडे हमारे कीमा फॉर्म में आ जाएं। इस तरीके से मुसलसल हम चम्मच चलाएंगे। ये देखें, इस तरीके से कीमा फॉर्म में अंडा आ चुका है। अब हम 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी लेंगे, उसे मसल कर हाथ से हम ऐड कर देंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये झटपट में बन जाने वाला खुशशक्ल हमारा अंडा कीमा तैयार हो चुका है। हम इसे डिश आउट करते हैं। आप इसे सहरी में ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो चले आएँ आज की हम अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं।
आज हम लाए हैं पोटैटो लवर्स के लिए एक नई बिल्कुल हटकर मज़ेदार डिश, जो कि आप बनाएंगे तो ज़रूर इंजॉय करेंगे। बच्चे बड़े सभी को ये पसंद आने वाली है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 लार्ज साइज़ के आलू लिए हैं, उन्हें मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। ये देखें, आलू हमारे कट चुके हैं। 1 लार्ज साइज़ का मैंने प्याज लिया है, उसे हम रफली चॉप्ड कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से आप प्याज कट कर लेंगे। अब हम लेंगे 1 अदद हरी मिर्च, इसे हम बारीक बारीक कट कर लेंगे इस तरीके से। अब एक पैन लेंगे, उसमें हम 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून बटर ऐड कर देंगे। साथ ही बटर मेल्ट हो रहा है तो हम इसमें प्याज को ऐड कर देंगे। कुछ देर तक हम प्याज को ऑयल में सौते करेंगे ताकि प्याज का कलर चेंज हो जाए। अब हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। कुछ देर तक हम इसे पकाएंगे। अब कुछ स्पाइसेस हम ऐड करते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, ये 2 टेस्ट है। अब हम इस मसाले को मिक्स करते हैं और कुछ देर तक मसाले की भुनाई करते हैं। मसाला हमारा भुन चुका है तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम इस मसाले को मिक्स करेंगे, साथ ही अब हम आलू ऐड कर देंगे। आलूओं को हम मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आलू हमारे मसाले में मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसमें 1 कप मिल्क ऐड कर देंगे। मिक्स करके ऊपर से हम 1 टीस्पून कसूरी मेथी को हाथ से मसल कर डालेंगे। अब हम कवर कर देंगे 10 मिनट तक के लिए हल्की आंच पर, ताकि आलू हमारे सॉफ्ट हो जाएं। माशाल्लाह, आलू हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अच्छे तरीके से अब मिक्स करेंगे, साथ हम बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे क्रीमी आलू तैयार हो चुके हैं। इसे हम हरे धनिए से गार्निश करते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपकी फैमिली को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।